हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट टुडे वी विल डिस्कस क्लास इलेवेंथ इकोनॉमिक्स चैप्टर नेम इज़ मायर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटा ये मेरी इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है पहले में सिर्फ मैंने बेसिक्स ही डिस्कस किए थे पहली वीडियो में तो आज हम अरिथमेटिक मीन डिस्कस करेंगे क्या होता है इस वीडियो में और इसका एक इंडिविजुअल सीरीज में हाउ वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन वी विल डिस्कस दिस ओके सो लेट्स लेट्स गो ऑन नाउ कम्स अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन क्या होता है उसको डिटेल में डिस्कस अब ये देखो अरिथमेटिक मीन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सब सेंट्रल टेंडेंसी के आपको पता है थ्री मयर्स होते हैं अरिथमेटिक मीन मीडियन एंड मोड पर सबसे ज़्यादा हम यूज क्या करते हैं अरिथमेटिक मीन सो अरिथमेटिक मीन एक ऐसा मेथड है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है मेथड सेंट्रल टेंडेंसी का वो अरिथमेटिक है ये आपको एम सी क्यू में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ भी सकता है कौन सा मेयर सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कॉमनली यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए दैट इज अरिथमेटिक मीन ओके नाउ अरिथमेटिक मीन इज एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज अरिथमेटिक मीन क्या होता है अरिथमेटिक मीन बेसिकली जो आपको डेटा दे रखा है वैल्यूज दे रखे हैं, उन सब की हम एवरेज निकालते हैं उसको कहते हैं अरेथमेटिक प्रॉपर मेथड्स बताऊंगी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन सॉल्व करना सिखाऊंगी कैसे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है थीके? आप देखो आउट ऑफ मीन मीडियन एंड मोड तीन मैज है ना मीन है मीडियन है और मोड है उन सबसे ज्यादा जो है ओनली मीन इज अ ओनली मेथड विच रिक्वायर्स अ फॉमूला सिर्फ एक मीन ऐसा मेथड है जिसमें फॉमूला चाहिए होता है सबसे ज़्यादा ठीक है सो ये मतलब एक तो मीन मीडियन और मोड से आपको ये पता चला सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड मीन यूज होता है और वो एवरेज है वैल्यूज़ के जो आपको डेटा दे रखे हैं और क्या है जो मीन है वो उस वो एक सिर्फ वही एक ऐसा मैयर है जिसके बीच में हमारे को फॉमूला चाहिए फॉर्मूला लगता है सो so, आगे वो क्या बता रहे हैं मीन इज द ओनली मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वे द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ईच वैल्यू इज ऑलवेज जीरो वो कहता है मीन एक ऐसा मेथड़ है कल्ला अकेला ऐसा मेथड़ है सेंट्रल टेंडेंसी का जिसको आप उसका सम करोगे ना डेविएशन से तो हमेशा जीरो आएगा एक वैल्यू की डेविशन से जब उसको प्लस करोगे ना तो वो उसका हमेशा सम ज़ीरो आएगा ये आप आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल यू विल योर कम टू नो आपको अपने पता चलेगा कि ये चीज़ कैसे होती है ठीक है इस ये एक सम को सॉल्व करने का मतलब क्रॉस चेक करने का एक ये मेथड भी है नेक्स्ट कम्स एवरी वैल्यू इन द डेटा फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन अरिथमेटिक एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर आपको 10 वैल्यूज दी हुई हैं तो 10 की 10 आपको देखनी पड़ेगी तब आपकी वो मतलब आप अरिथमेटिक निकाल सकोगे वो 10 आइटम्स का सो so, हर एक आइटम जो है वो कैलकुलेशन का एक पार्ट बनती है जिसमें आपको हर एक वैल्यू जो है आपको यू विल हैव टू सी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी कैलकुलेशन में तब आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे ये अरिथमेटिक मीन का हम कैसे डिनोट करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एक्स बार एक्स बार एक्स बार से हम डिनोट करते हैं और ये आपको अगर कहीं आपको क्वेश्चंस में एक्स बार दिया हुआ है और उसने बोला नहीं अरिथमेटिक मीन उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए ये मीन पूछ रहा है वो वो कहना चाहता है एक्स बार मीन अरिथमेटिक मीन ठीक है यू शुड नो द शॉर्ट एब्रीवेशन उसकी एब्रीवेशन क्या है उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं या आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सपार का मतलब क्या है एक्स एक्सपार मतलब अरिथमेटिक मीन तो ये था हमारा मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का सिंपल सा ओवरव्यू दिया है कि अरिथमेटिक मीन के क्या क्या फीचर्स हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं तो ये वो था अब हमने निकालना अरेथमेटिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे देखो इंडिविजुअल सीरीज होती हैं डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज और और जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है ये तीनों सीरीज में कैसे अरेथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना ये आपको सिखाया जाएगा मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी So, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज में आपको पहले बताना चाहती हूँ इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है सिंपल आपको आइटम टेन वैल्यूज दे रखे फिफ्टी ट्वेंटी जितनी भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं उनका आपको फिगर्स डाटा दिया होता है और आपने उसका अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप क्या करते हो आपने छोटी क्लासेस में किया भी होगा तो अरिथमेटिक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सारी सम्स को हम प्लस कर दो आइटम्स को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आप देखा जाए इसको आप अप्लाई भी करते हो आप अपनी क्लास में आप एवरेज निकालते हो ना कि आपके आ, कितनी एवरेज आ रही है मार्क्स की तो आप उसमें अरिथमेटिक मीन निकालते भी हो अगर आप नॉर्मल देखो परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिंपल आप अगर उसको नंबर अगर हंड्रेड का अगर ऑन एन एवरेज हम लेते हैं तो हम वो निकालते हैं ठीक है इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं जो आपको ये करवाया जाएगा जो मैंने आपको बताया दिस इज मेथड इज आल्सो नोन एज अ डायरेक्ट मेथड अब ये एक्सप्रेस कैसे होता है लिखते कैसे जो मैं अभी तो मैंने आपको वर्बली बताया ना अब आपको मैं लिख के बताती हूँ मीन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स मीन टोटल सम ऑफ आइटम्स जितनी आइटम्स है उन सबको ऐड कर लो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स अगर टेन आइटम्स है टेन आइटम्स को पहले प्लस कर लो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टेन ये देखो जैसे इसको डिनोट किया एक्स वन प्लस लेके एक्स एन तक जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कैपिटल ठीक है इसको आप सिग्मा एक्स अपॉन ऑन एन भी डिनोट करते हैं सिग्मा मीन समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए नंबर ऑफ आइटम्स सो ये अरेथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड जो है वो ये है जो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे कैलकुलेट होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा अरिथमेटिक मीन एवरेज मनी स्टूडेंट्स आर हैविंग इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज वी